हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको सिखाऊंगा कैश मेमो बनाना। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं, ये कैश मेमो है। इसको आप बिल चलान भी, बिल बुक भी बोल सकते हो। ये चीज़ कैसे बनाया गया, क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप है, और जिससे बनाया गया है एमएस वर्ड से, तो हम आपको एमएस वर्ड से बिल बुक बनाना सिखाएंगे, जिससे इसमें दिखाया गया है। तो वीडियो को दोस्तों एकदम लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाऊंगा नहीं, बस 5 या 6 मिनट गए मैं, आप इसको बनाना सीख जाओगे। मेरे सारे वीडियो ऐसे रहेगा, जो छोटे छोटे वीडियो में आपको बड़ी बड़ी नॉलेज और अच्छी अच्छी चीज़ें आप बना पाओगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, देखिएगा प्रोसेस क्या होता है, कैसे किया जाएगा, सेटिंग स्टेप बाय स्टेप करके देखिएगा। तो शुरू करते, इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो एकदम शुरुआत से आप लोग देखिएगा, आपको एमएस वर्ड में कुछ नहीं पता है तब भी घबराने की बात नहीं है। मेरे वीडियो को आप देख करके अच्छे से सीख करके एक अच्छा प्रोफेशनल कैश मेमो बना सकते हो। तो सबसे पहले कीबोर्ड से विंडोज़ प्लस आर बटन दबाइएगा। एमएस वर्ड खोलने के लिए बिनवर्ड टाइप करिएगा, मैं ज़्यादा थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ तो एडजस्ट करिएगा। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि सर बड़ा स्पीड बोल रहे हैं, हम समझ नहीं पाते हैं, तो उनको बताना भी रहता है। तो यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पेज मिलेगा, आप इस पर ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद इसमें एक पेज सेटिंग करनी पड़ती है। कोई भी चीज़ें डायरेक्टली बनने नहीं लगता है, उसमें एक सेटिंग करनी पड़ती है। सेटिंग होता कहाँ से, पेज लेआउट मेनू में जा करके यहाँ मिलेगा मार्जिन, मार्जिन विकल्प में जा करके फिर कस्टम मार्जिन विकल्प ओके करिएगा। और यहाँ पर आगे बाद 0.5 टाइप करिएगा, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सभी हमें टाइप कर दिया है, और यहाँ पर ओके कर देना है। और यहाँ जो पेज रहेगा जिसमें आप प्रिंट करना चाहते हो, वहाँ पे पेज दिखाई दे रहा है पेज साइज, तो हम A4 कर देते हैं। और ये हमारा पेज इस प्रकार से हो गया है। अब इसमें उनको बॉर्डर लगाना है। बॉर्डर लगाने के लिए डिजाइन मेनू में जा करके पेज बॉर्डर विकल्प पर ओके करिएगा, और बॉक्स पर ओके कर लीजिएगा। और यहीं पर आकर हम पेज को कलर करेंगे, पेज पर ओके करना है। यहाँ पर पेज कलर आज दिखाई देगा, जो आपको ठीक लगेगा उसको कलर कर लीजिए। ठीक, जैसे मैं यहाँ पे इस पर ओके कर देता हूँ, येलो पर। तो ये बन के रेडी हो गया। अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या हमको टाइप करके लिखना रहता है कि हमको बनाना क्या है। तो यहाँ पे साइज़ इसका 18 कर लेना है, और यहाँ से फॉन्ट चूज कर लेना है, और इसको बोल्ड कर लेना है, और टाइप करना शुरू करते हैं। और एक तरफ ये लिख देते हैं, एक तरफ नंबर लिख देते हैं। ये मेरा नंबर है, आप कोई भी चीज़ पूछना रहे पूछ सकते हैं इस पर। और बीच में लाने के लिए आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस ई बटन दबाइए, नहीं माउस से ओके कर दीजिए। एडवांस कंप्यूटर मेरे शॉप का नाम है, इसकी साइज़ 24 कर देते हैं, और इंटर प्रेस करते हैं इसका 16 कर दिए। और इसमें हम अपना एड्रेस लिखेंगे, बहरिया मुबारकपुर रोड प्रयागराज। ये हमारा कुछ इस प्रकार से बन गया। अब इसमें हमको एक पट्टी लाना है रेक्टेंगल की मदद से, तो आएंगे कैसे देखिएगा। इंसर्ट मेनू में जा करके शेप्स विकल्प पर ओके करेंगे, फिर इंसर्ट रेक्टेंगल टूल पर ओके करेंगे, और इसको हम ऐसे ड्रैग कर लेंगे। इसको कोई भी कलर देंगे, यहाँ पे सेफ फिल में जाकर आप कोई भी कलर दे सकते हैं। इसको हम ब्लैक कर दे रहे हैं। माउस के राइट बटन दबाइएगा, इसके अंदर लिखने के लिए आई टेस्ट पर ओके करिएगा। 20 लिखना स्टार्ट कर देगा। हम होम मेनू में आ करके इसका साइज़ बढ़ा देंगे, और फॉन्ट भी चेंज कर देंगे, और कलर वाइट कर देंगे। थोड़ा इसको बोल्ड करने कंट्रोल भी दबाएंगे। कंप्यूटर कॉमा कंप्यूटर और लैपटॉप,
ये हमारा बन गया। इसको बीच में करने के लिए सेंटर कर देते हैं, ये हमारा सेट हो गया है कुछ इस प्रकार से। अब हमको नीचे लिखने के लिए यहाँ पे एक बार और इंटर करना है। इंटर करने से नीचे आता है, काफ़ी लोगों को पता नहीं रहता कि ऊपर कहाँ से करना है। ऊपर आपको कहीं भी करना है तो माउस से ओके करके आप वहाँ से लिखना शुरू कर दीजिएगा। अभी ये हमारा साइज 16 का है, 16 का साइज लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम डेट लिखेंगे जिस डेट को सामान परचेस किए रहेंगे। यहाँ पे इनवाइस नंबर या सीरियल नंबर लिखा रहता है, और इंटर प्रेस करिएगा। सप्लायर्स नेम एंड एड्रेस, जो ख़रीदेगा उसका नाम और एड्रेस वगैरह रहेगा। इसको हम काफ़ी बड़ा कर देते हैं, और इसको जो लाइन बन रहा है कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबा के अंडर स्कोर बटन दबाइएगा, ये बन जाएगा। और इंटर करने पे थोड़ा पास हो जाएगा, कंट्रोल जेड कर दीजिएगा, सही हो जाएगा। अब इनको इसको लाना टेबल बनाना। टेबल बनाने के लिए इंसर्ट मेनू में जा करके टेबल विकल्प पर ओके करिएगा, फिर इंसर्ट टेबल पर ओके करिएगा। इसमें 5 कॉलम और 4 रो रहेगा, और ओके करके प्रेस करके ओके कर दीजिए। तो पहले में हमको साइज़ कम करके लिखना है, होम मेनू में जा करके साइज़ 14 कर लेना है, और इसमें टाइप करिएगा। पहले में रहेगा सीरियल नंबर, दूसरे में रहेगा डिस्क्रिप्शन या स्टॉक आइटम या प्रोडक्ट कोई भी चीज़ लिख सकते हो। इसमें हम आइटम लिख देते हैं, तीसरे में क्वांटिटी लिखना है, इसमें यूनिट डाल देना है, या इसमें रेट डाल देते हैं, और अमाउंट। और यहाँ से हमको दूसरे वाले रो में इंटर करना पड़ेगा। आप इंटर करते हुए आइएगा नीचे की तरफ, हाँ इतना सही है। इतना करने के बाद इसमें लिखना है टोटल अमाउंट, और इसको एडजस्ट करने के लिए इस पर वो पकड़िएगा, इसको ऐसे एडजस्ट करिएगा कि इसको कितना जगह देना है। यहाँ पे अमाउंट हटा देते हैं, टोटल लिख देते हैं। ये हमारा कुछ इस प्रकार से सेट हो गया है। उसके बाद इसमें हमको इस लाइन को मिटाना, आप इस पर ओके करिएगा। लेआउट मेनू में जा करके यहाँ पे इरेजर मिलेगा, और इस पर ओके कर दीजिएगा, और यहाँ पे लिख दीजिए वर्ड। और अब नीचे यहाँ पर ओके करिएगा, और यहाँ पे लेफ्ट कर दीजिए। इसमें लिखना है एडवांस कंप्यूटर, इंटर प्रेस करिएगा। इसका फॉन्ट साइज कम होगा और फॉन्ट स्टाइल चेंज होगा, फॉन्ट साइज एरियल ब्लैक कर देते हैं, एरियल कर देते हैं, काफ़ी बढ़िया फॉन्ट है एरियल। इसमें लिखना ऑथराइज सिग्नेचर, और इसको यहाँ से इंटर प्रेस कर लीजिएगा, और इसका बोल्ट बंद करके इसको इट अंडरलाइन कर दीजिएगा। ये हमारा कुछ इस प्रकार से बिल बुक रेडी हो गया है।